देखो बड़े चिर तो कृष्णा नगर का जो एरिया है ना एक ड्राई एरिया से जिथे गर्मियों में पानी की बहुत ज्यादा समस्या आती थी। ईवन दैन कि कई बार सानू टैंकर ना पानी भी देना पैंदा सी। तो मैं पहला तो धन्यवाद करदा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का कि उन्होंने सदके पंजाब जिथे पेंडिंग पे काम से पहली गल तो यह जिदा 27,000 नौकरियां दित्तियां पेंडिंग पईयां जिहड़ियां सरकारां ने पिछले 20-25 साल नहीं दित्तियां उदा ही जिन्हें इदा के पेंडिंग काम से साढ़ा 2016 का ट्यूबवैल पेंडिंग पिया और इदा के 5-7 ट्यूबवैल पेंडिंग पे सी जिहड़े असी जिहड़े सारे हैगे आ असी वो ट्यूबवैलों का इन्हों को दोबारा एसटीमेट रहा रीएसटीमेट करा के वो असी तकरीबन यही ट्यूबवैल 34-35 लाख लगते पे से असी अज 28.5 लाख रुपए में ट्यूबवैल जोड़ा है वाटर सप्लाई महकमे ने कारपोरेशन के थ्रू ला के दिता सानू ये और बड़ी गल है बड़ी गहराई दे तकरीबन 280 मीटर 900 फुट के करीब यह डूंगा पानी लिया गया ताकि पानी की क्वालिटी बहुत बैटर रहे। ये कृष्णा नगर के और इलाके के क्योंकि ट्यूबवैल कलैक्टिव नहीं चलते हैं इस एरिया जो प्रैशर है पानी का हम प्रॉपर मेनटेन होएगा और अधिकारी इस चीज़ का ख्याल भी रखूंगे। साढ़े कारपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर साहब खड़े है एक्शन साहब खड़े है साढ़े होर भी जो वाटर सप्लाई के एक्शन साहब भी इतने है तो मैं इलाके के मेरे सारे पतवंते सज्जन खड़े है मेरे ना मेयर सुरेंद्र कुमार शिंदा जी और भैन परवीन सैनी जी प्रदीप बिट्टू जी कौंसलर साहबान मेरी अपनी पार्टी के जॉइंट सैकटरी मैडम संतोष जी साढ़े बलबीर सैनी जी और मैडम मनदीप जी ये सारे खड़े इतने सारे सहयोग दिता। सो मैं धन्यवाद करदा इन्ह सारे इलाका निवासियों का बहुत बहुत मेरा खास तौर पर धन्यवाद है कि इन्होंने इन्ना चिर सबर रखिया इन्होंने सबर रखिया साढ़े विश्वास रखिया साढ़े तो विश्वास इन्ना रखिया कि सानू इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी इन्होंने जिताया जबकि ये इतने एक बहुत बड़ा डंप सगा इस एरिए और मैनू हैरानगी सी दो जो इतने डंप न कृष्णा नगर तो जीडिया इतने लगवाई गई मैं मौजूद सगा ज्यादा नहीं 100 अधिकारी प्रशासन का 100 अधिकारी घट नहीं जिसे डिप्टी कमिश्नर SSP ADC सारे SGM साहबान SDO मतलब नाल उस वेले दे मौजूदा मिनिस्टर साहब सीगे मैं इतने इन्हों मेरे ना सज्जन सारे इतने खड़े हैं पुलिस साहब चले गए इतों शायद इन्हों ले आके सामने खड़े करता सी उदो बेनती की सी मैं कहा जी रेहड़ियां लगियां तो आ लोग सामने खाना खाऊगे इतने बहुत हालात खराब है असी रोज़ इतने कोई ना कोई जो बॉल इन्हों की डैथ हो जाती है असी इन्हों दवाने रहे इन्हों पता इतों लंघन का इलाका नहीं लेकिन उन्होंने उस वेले रुक के इन्हों महल की गल सुनने सुननी भी वाजब नहीं सी समझी गल भी नहीं सुनी और जो इलेक्शन आया उदों फिर पैंतरेबाजी चालू हो गई तो लोग भी तो इस गल अज असी काम तो साढ़ा लोगों ने आवाज करना ना जी जनता तो जानती है सब कुछ जनता तो की लुकिया। सो इस करके मैं धन्यवाद करदा जिते हुण अज सामने लोग खाना खा रहे हैं फूड स्ट्रीट चलती पई है इनू होर बहुत बेहतर करन लगे हैं सुंदर टाइलां लग रही लाइट्स लग रही पूरे सेंटर दे विच जाके ये इन बहुत खूबसूरत इलाका डिवेलप करांगे क्योंकि बहुत सारे लोग चाहे उन्ने तो आ रहे हैं फिर कितों आ रहे खाना खाने लिए तुहाडे शहर च रुक के जाते हैं लोगों बहुत सारे भाव भाजी खाण आते हैं। इस तो पहले दो बार उद्घाटन हो चुका है फूड स्ट्रीट का पिछले मंत्री जी ने कर चुके हैं फूड स्ट्रीट पिछले मंत्री जी ने मेरी गल समझो मैं किसी अज इस मौके से कोई गल नहीं करनी चाहना पर इदा है आप जी चीज़ में लैके आता उन्होंने प्रोजेक्ट को पूरा करने का साड़ी जिम्मेवारी बन जाती है अज मैं कोई अनाउंसमेंट करता साड़ी जिम्मेवारी बनती है तो उन्होंने आप कंप्लीट करिए असी सिटी स्कैन का इलेक्शन तो पहला गया
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ। 40 ਰੁਪਏ 'ਚ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 2500 ਦਾ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਆ ਉੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ 66% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਦੇਖੋ 66% ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਸ MLA ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਠੀਕ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।